अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं बोंबिल मटर की चटनी। ये देखो, ये है बोंबिल, सूखे बोंबिल। इसमें मैंने धोने के लिए पानी में रख दी। आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक दो चम्मच तेल गरम हो चुका है। अभी हम लोग इसमें दो प्याज मैंने कटा है, दो प्याज है, चम्मच नमक डाल दूँ प्याज होने के लिए। प्याज का भी अच्छी तरह से होने दो। क्या इसको अच्छी तरह से होने दो। हाँ, अभी इसमें हम लोग दो तीन कड़ी पत्ता डालेंगे पत्ते। हाँ, अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं एक टमाटर, इसको भी अच्छी तरह से भून लेना। अब ये मैंने अच्छी तरह से बोमिल को धो चुकी, ये डालने का इसमें, इसको अच्छी तरह से इस कांदे में ही भून ले। अब डालेंगे इसमें ही बटाटा, ये एक बटाटा है जो मैंने काट के रखी हूँ, इसको भी इसमें अच्छी तरह से पहले से उसको भून ली। अभी मैं डालूंगी एक चम्मच, एक और थोड़ी आधी, तीखी नहीं है ज़्यादा इसलिए, मिर्ची पाउडर, और फिर थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। हाँ, ये देखो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। अभी मैं इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी। ये देखिए, है ना, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा आधा कप, ये देखिए थोड़ा सा कप, ज्यादा नहीं पानी लगाइए इसको, दो मिनट का करो, थोड़ा पानी लगाइए, आधा चम्मच, आधा कप। हाँ, ये देखिए, इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक अपना ये बटाटा हो जाए, है ना, 10 मिनट के लिए रख दूंगी। अब इसमें हम लोग डालेंगे कोथिंबीर, और ये एक आम का, कच्चे आम का जो गुठली रहती है ना वो है। ये देखिए, ये आम की गुठली है, कच्चे आम की गुठली, वो भी अच्छी लगती है इसमें, इसको हम लोग अमृतसरी बोलते हैं। ये देखो, ये चटनी अपनी तैयार है। आ जाओ खाना, आ जाओ खाना।